गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे, जो हमारा चैप्टर चल रहा था। इसका टॉपिक जो हमें पढ़ना था वो था द बिगनिंग ऑफ द भक्ति। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम बुद्ध धर्म के बारे में हमने पढ़ा था, और ये चैप्टर था आई थिंक चैप्टर 10 और ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अब इसका जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं द बिगनिंग ऑफ द भक्ति, ये है पेज नंबर 107 के ऊपर। द बिगनिंग्स ऑफ द भक्ति, भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। इसमें इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने व्यापार कैसे होता था, काय का व्यापार होता था, सिल्क रूट क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके अंदर हमने कौन कौन से साम्राज्य आते हैं और किस तरीके से उन्होंने सिल्क के बदले में लगान वसूल किया, किस जैसे कुषाण शासक आए, उसमें महत्वपूर्ण शासक कनिष्क हुआ जिसने कि सोने के सिक्के जो सबसे ज़्यादा डलवाए थे, तो वो उसे कहाँ से मिले, व्यापारियों से मिले थे। तो वो सारी बातें हमने उसके अंदर पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो धर्म उस समय जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार पूरे भारत में उस समय हो रहा था वो बौद्ध धर्म था, और बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। और फिर बाद में बौद्ध धर्म इतना ज़्यादा स्प्रेड हुआ कि पूरे भारत में स्प्रेड हुआ, और शासकों ने अपनाया, इवन जो विदेशी यात्री थे वो भी आए वहाँ शिक्षा हासिल करने, और फिर उन्होंने उस जो यात्रा वृत्तांत है उसके बारे में काफ़ी लिखा, जिससे कि हमें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता लगता है। स्पेशली जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पर कैसे टीचिंग होती है उसके बारे में लिखा। तो ये सारा हमें अब तक जो हमने पढ़ा है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो द बिगनिंग ऑफ द भक्ति, कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेयर द वैन द वर्शिप ऑफ द सेंटर डिटेल्स विच बिकम द सेंटर फीचर ऑफ द लेटर हिंदुज्म। ज्ञान इज इम्पॉर्टेंट। दिस इंक्लूड्स द शिवा विष्णु एंड द गॉडेस एस सच एज दुर्गा। मतलब ये जो भक्ति की शुरुआत हुई वो हिंदू धर्म के अंतर्गत ही हुई, और ये लोग जो हैं कई तरीके के भगवान को पूजते थे, जैसे शिव विष्णु और अलग अलग तरीके की देवियों को पूजते थे। दिस डेटीज वर वर्शिप्ड थ्रू द भक्ति एंड आइडिया दे बिकम वेरी पॉपुलर दैट दिस टाइम। तो इस समय जो एक भक्ति मार्ग था उसकी शुरुआत हुई थी। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज द पर्सन डिवोशन टू हिज एंड हर चूजन डेटी एनी वन वेयर द रिच एंड पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई एंड लो कास्ट मैन एंड वुमेन कुड फॉलो द पथ ऑफ भक्ति। तो भक्ति मार्ग वो था कि आप किसी भी धर्म को या उसकी शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते हो, चाहे वो कोई भी औरत हो, चाहे कोई अभी आदमी हो, चाहे वो ऊंची कास्ट से हो या फिर नीची कास्ट से हो। तो भक्ति मार्ग में वो एक अच्छी बातों का धर्म का अनुसरण करता था। आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता अ स्क्रेड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडिंग द महाभारत। अब जो ये भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ वो हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तक है भगवद गीता, और जिसमें महाभारत का भी उल्लेख है उसके अंदर भक्ति मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं से मेन हमें इसकी प्रेरणा मिलती है। इन दिस कृष्णा द लॉर्ड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंडली एंड टू अबॉन्डन ऑल द धर्म्स एंड टेक रिफ्यूज इन हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी एवल। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द जर्नी। जो भगवद गीता था उसके अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे वो जो हैं वो फिर धीरे धीरे पूरे भारत में प्रशस्त हुए थे और लोग उसका अनुसरण करते थे। इसके अंदर उन्होंने अर्जुन को बताया था क्या सही है क्या गलत है, क्या फॉलो करना चाहिए क्या नहीं फॉलो करना चाहिए, पूरे धर्म का उसमें ज्ञान दिया था। तो उसी से भक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। दोज हु फॉलोड द सिस्टम ऑफ भक्ति एम्प्रेस डिवोशन एंड द इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ द गॉड एंड गॉडेस रादर दैन द परफॉर्मेंस ऑफ द एलिब्रेट ऑफ सेक्रीफाइस। जो लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं वो किसी पर्टिकुलर वो पूजा का अनुसरण करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीव ऑफ अ डिवोट द वर्शिप इज द चूजन
deity with the pure heart and the deity with the pure form in which he or she may desire. तो इसमें जो ये भक्ति का मार्ग है उसको वो अपने सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं जिसके प्रति भी वो अपने आप को डिवोट करते हैं. सो द रेडिव वो कुड बी थ्रो एज अ ह्यूमन बीइंग लायन ट्री और एनी अदर फॉर्म. वंस दिस आइडिया जेंट एक्सेप्टेंस आर्टिस्ट मेड ब्यूटिफुल इमेज ऑफ दिस. तो ये जो भक्ति मार्ग था इसके लिए जो कई आर्टिस्ट हैं उन्होंने कई तरीके की मूर्ति बताई है जिसमें हमें लगता है कि कोई भी जो है वो किस तरीके से फॉलो कर सकता था. और भक्ति मार्ग जो है हम किसी को भी मतलब अनुसरण इसमें कर सकते हैं. उसके अंतर्गत हम किसी पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं, किसी जानवर की भी कर सकते हैं या किसी आदमी की भी कर सकते हैं. तो सबकी एक अलग अलग मान्यता डेवलप हो रही थी और लोग भक्ति की तरफ आकर्षित हो रहे थे. कम्स फ्रॉम द भक्ति कम्स फ्रॉम द संस्कृत टर्म भज मीनिंग टू डिवाइड और शेयर. दिस सजेशंस इन अल्टीमेट टू वे रिलेशनशिप बिटवीन द डेटी एंड द डिवोटी. भक्ति इज डायरेक्टेड टूवेज द भगवत विच इज ऑफन ट्रांसलेट एज गॉड बट ऑल्सो मीन्स वन हु प्रोसेस एंड शेयर्स भग लिटरली गुड फॉर्चून ऑफ ब्लीज. द डिवोटी नोन एज द भक्ता और भागवत शेयर हिज और हर चूजन डेटी भग्स. द पोयम बाय द भक्त. अब ये एक पोयम भी इसमें दी गई है. बिकॉज द डेटीज वॉज स्पेशल these images of the deities were often placed within special homes places that we described as temples. you will learn more about these temples in chapter 11. bhakti inspired some of the best expressions in art sculpture poetry and architecture. तो ये जो भक्ति है इसके बारे में हमें किताबों में तो इसका ज्ञान मिलता ही है. मंदिरों की किताबों में पता लगता है भक्ति मार्ग में लोग गए और बहुत से लोगों ने भक्ति मार्ग का अनुसरण किया. बहुत बड़े भक्त भी हुए और इसमें लोग इधर से इधर जाकर अपनी जिस धर्म को फॉलो करते थे उसका वो प्रचार प्रसार भी करते थे. उसके बारे में भी मेरे ख्याल से आगे आएगा. भक्ति मार्ग का मतलब ये था लोगों के अंदर अच्छाई के प्रति चेतना को जागृत करना. लोग उस समय काफ़ी अंधविश्वास में खो रहे थे तो उस समय जो भक्ति मार्ग जागा जिसमें कि भगवत मार्ग की भगवत जो गीता है उसकी शिक्षाएं थी, श्री कृष्ण भगवान की शिक्षाएं थी, तो लोगों को उसने जागरूक किया, जागृत किया और लोग अंधविश्वास से बाहर निकले और लोगों को पर्टिकुलर एक जन चेतना उससे जागृत हुई. तो वो उस समय फॉलो कर रहे थे. आफ्टर 2000 ईयर अगो क्रिश्चियन एमर्ज इन वेस्ट एशिया. अब जब भक्ति मार्ग के बाद में क्रिश्चियनिटी जो थी वो वेस्ट एशिया में आ गई. जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन बेथलहम और जो जीसस क्राइस्ट उनका जन्म हुआ विच वाज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर और वो रोमन एम्पायर का पार्ट था. क्रिस्ट टीचिंग वर दैट ही वॉज मतलब जो एक तो क्रिश्चियनिटी यानी कि जो ये अंग्रेजों के साथ में आई थी भारत में और जो इसके जो मेन जन्मदाता थे वो तो कौन थे, जीसस क्राइस्ट थे. उनकी जो शिक्षाएं थी वो थी क्रिश्चियनिटी में और वो धीरे धीरे पूरे संसार में फैलने लगी. ही ऑल्सो टॉच पीपल टू ट्रीट अदर्स विथ लव ट्रस्ट अदर्स. उन्होंने इस धर्म में लोगों को सिखाया कि आपस में प्यार करो, एक दूसरे में विश्वास करो, जस्ट एज दे देमसेल्फ वॉन्टेड टू बी ट्रीटेड और जिस तरह से कि वो अपने साथ व्यवहार चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें. हेयर आर फ्यू वर्सेस फ्रॉम द बाइबल. बाइबल के अंदर भी उनकी शिक्षाएँ लिखी है. ये हॉली बुक है यानी कि पवित्र किताब है जो कि क्रिश्चियंस की है और इसके अंदर कुछ शिक्षाएँ लिखी है. ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड आर थ्रस्ट फॉर
righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are, ये पूरी प्रेयर लिखी हुई है इसके अंदर. वेस्ट एशिया फ्रेड सॉरी क्रिस्ट टीचिंग एप्लेडेड टू द ऑर्डिनरी पीपल. अब जो ये जो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो शिक्षा थी, मतलब ईसाई धर्म, कौन सा धर्म हुआ ये, ईसाई धर्म का फैलाव हो रहा था और जो सामान्य दूसरे धर्म के लोग हैं उनको भी ईसाई बनाया जा रहा था उनकी शिक्षाएं देकर. अफ्रीका, यूरोप में और एशिया सभी जगह ये फैल रहा था. द फर्स्ट क्रिश्चियन प्रेचर्स कम फ्रॉम वेस्ट एशिया टू बी वेस्ट कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद द 100 ईयर्स ऑफ क्रिस्ट डेथ. क्रिस्ट की डेथ के बाद में जो है इनका फैलाव सभी जगह होने लगा. और इस मैप में आपको देखने से पता चलेगा द क्रिश्चियंस ऑफ द केरला नोन एज द सैरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रॉपरली कम फ्रॉम द वेस्ट एशिया. जो क्रिश्चियंस थे केरला के उनको सैरियन क्रिश्चियन कहा गया क्योंकि वो वेस्ट इंडिया से आए थे. आर अमंग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. और ये जो पुराना ईसाई धर्म था उससे संबंधित थे. तो इस तरह से लास्ट में तो क्या हुआ, जो ईसाई धर्म था उसका प्रचार प्रसार होने लगा और यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.